ओके सो गुड मॉर्निंग चलो स्टार्ट करते हैं का ना फर्स्ट एंड फॉरमो सिंह कल जो हमने पढ़ा था उसको पूरा रिवाइज कर लेते हैं उसके बाद में बढ़ेंगे बोलो पढ़ेंगे लॉ क्या लॉ ऑफ लैंड ना देखेंगे ना लेट्स गो स्टार्ट करते हैं ध्यान देना सबसे पहली बात हमने सबसे पहले लेक्चर में देखा था व्हाट डू एग्जैक्टली मीन बाय लॉ और लॉ क्यों बनाया जाता है सब जन रिवाइज करेंगे कोई रिवाइज नहीं करेगा तो मैं पर्सनली उसके तरफ ध्यान दूंगा याद रखना ठीक है दूसरी बात लॉ कितने फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है चार पहला और इथिक्स क्लियर है कौन से दो लिखने पड़ते हैं सेफ्टी और बेनिफिट कौन से दो अजूम्ड होते हैं नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड कौन से बोल एक बार इथिक्स समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना यह चीज होने के बाद में हम अगले कंटेंट के ऊपर गए थे हमने प्रोसेस टू पास द लॉ देखा था याद है सबको है हाँ ना कितने टाइप के लॉस होते हैं तीन कौन कौन चार चार एग्जाम तक के दस करोगे कौन से ट्रेन टाइप के लॉ होते यूनियन स्टेट कॉन्करेंट याद है सबको है हाँ ना कहा लिखा ये आर्टिकल नंबर टू फोर्टी फाइव और आर्टिकल नंबर कौन सा टू फोर्टी सिक्स क्लियर है इसके अंदर हमने इसको क्लैरिफाई किया था यह होने के बाद हम आगे बढ़े थे अगली चीज क्या देखी थी प्रोसेस 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 में पहली चीज ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग में क्या होता है इंट्रोडक्शन और बिल बनाना ये सर नो सो कितना टाइप के बिल्स होते हैं बच्चों चार पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल फाइनेंस बिल मनी बिल अदर बिल्स कुछ याद आया सबको हाँ ना? और स्टेट में सिर्फ कितने होते हैं तीन पहला इसका क्या हो किया जाएगा रीडिंग रीडिंग के बाद में डिस्कशन होगा डिस्कशन के बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा कितने बनाए थे कंपनीज एक्ट के लिए तीन कौन कौन सी रानी नारायण मूर्ति कुमार मंगलम बिरला फिर ये कहा जाएगा दो हाउसेस में हाउस ऑफ पीपल हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल हाउस ऑफ पीपल में कितने लोग फाइव फोर फाइव हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में जोर से बोलो टू फोर फाइव वैसे मैक्सिमम कितने हो सकता है टू फिफ्टी कुछ याद आया सबको हाँ। हाँ है ना है सब हाँ मुझे बताओ उसमें से बारह लोग कौन सेलेक्ट करता है प्रेसिडेंट यहां रखे कंसेप्ट समझ में आ रहा है ये चीज होने के बाद में लॉ पास होगा और किसके पास जाएगा प्रेसिडेंट और स्टेट रहा तो गवर्नर क्लियर है कंसेप्ट सबको उन्होंने पास करने के बाद ऑफिशियल गैजेट ऑफिशियल गैजेट में कितनी चीजें मेंशन करते हैं तीन पहला डेट दूसरा एरिया और तीसरा सेक्शन कुछ याद आया सबको हा है सब हाँ ना ये चीज होने के बाद पार्ट्स ऑफ लॉ ये सुनो उसके अंदर सबसे पहली चीज क्या लिखी थी Pre -amble, pre -amble में कितनी चीजें होती है तीन ई सी सेक्शन दैट इज एक्सटेंड और कमेंसमेंट शॉर्ट टाइटल कितना भी लॉन्ग रहा तो भी उसको क्या कहते हैं शॉर्ट टाइटल ई पर से एक्सटेंड और सी पर से कमेंसमेंट ये सो नो तो मुझे एक बार बताओ शॉर्ट टाइटल के बाद एक्सटेंड का मतलब कितना टाइप के एक्सटेंड होते हैं दो पहला जोग्राफिकल और दूसरा एप्लीकेबिलिटी कुछ याद आया सबको कमेंसमेंट मतलब डेट ऑफ कमेंसमेंट के कौन से दिन से लॉ शुरू होने वाला है फिर उसके बाद क्या आता है डेफिनेशन क्या आता है जोर से बोलो डेफिनेशन डेफिनेशन कितने टाइप की होती है दो पहला ड्राफ्टिंग और दूसरा कवरेज ड्राफ्टिंग के अंदर कितना डेफिनेशन दो पहला एक्ट और दूसरा सेक्शन और कवरेज के अंदर दो पहला एग्जॉस्टिव और दूसरा इंक्लूसिव एग्जॉस्टिव मतलब एक्शन 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 सबको ब्रैकेट करना है और इंक्लूसिव मतलब आने दो कुछ भी क्लैरिफाई कर देंगे उसके बाद में क्या होता है डेफिनेशन के बाद चैप्टर्स चैप्टर्स डिवाइड इनटू सेक्शन सेक्शन डिवाइड इंटू सबसेक्शन इनटू क्लॉजेस और वो जो प्रोवाइडेड दैट होता है वो क्या होता है प्रोविजो तो सेक्शन कुछ बोलो सेक्शन कुछ प्रोविजो प्रोविजन कुछ बोल प्रोविजो कुछ याद आया सबको है हाँ ना ये चीज होने के बाद में अगला क्या देखा था एक्सेप्शन एक्सेप्शन कितने होते हैं दो एक्ट बेस सेक्शन बेस एग्रीकल्चरल इनकम और सेक्शन का लिया था हमने एक्सेप्शन के बाद में क्या होता है एंड पेनोल्टीज उसके अंदर डैमेजेस कुछ को जाते हैं एग्रिड पर्सन पेनोल्टी किसको जाती है गवर्नमेंट और बंदा कहां जाता है जेल फिर मैंने आपको कोर्ट की पावर्स बताई थी नो सबसे नीचे फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास उसमें सिविल रहा तो कौन रहता है जज और क्रिमिनल रहा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रहा तो कौन रहता है जज हाई कोर्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट क्यों जस्टिस बोलते हैं इनको क्योंकि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वट इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जब डिसीजन ऑफ द कोर्ट ओनली अफेक्ट पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट तो क्या हो गया क्वेश्चन ऑफ फैक्ट लेकिन डिसीजन ऑफ द कोर्ट अफेक्ट द एंटायर पब्लिक तो उसे कहा जाता है क्वेश्चन ऑफ लॉ कुछ याद आया सबको हा अगर इनसे मन नहीं भरा तो आप अपील करने के लिए जाते हो क्या करने के लिए जाते हो अपील क्लियर है जस्टिस मांगने के लिए जाते हो चलो ये लॉ का रीडिंग कंप्लीट हुआ लेकिन इससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो किसके पास जाते हो डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट कितनी चीजें नोटिफाई करता है तीन नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स रूल्स क्या होता है प्रोसेस प्रोसेस रूल क्या होता है प्रोसेस उसके में सर्कुलर और नोटिफिकेशन क्या होता है चेंजेस क्लियर है इससे भी नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इससे भी सैटिस्फाइड नहीं हो तो कस्टम कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना उससे आगे कुछ देखा था क्या नहीं यहां पे हमने कंप्लीट किया था एक बार वो चार्ट वापस खोलो और एक बार देख लो आज बड़ा कोई बात छूटा क्या एकदम ओके सो एवरीबॉडी रेडी और कैसे हैं आप लोग <laughs> चलो स्टार्ट करें बोलो हा है ना खाना वाना खा लिया सबने आर यू रेडी आर यू रेडी आर यू रेडी अरे तो दोनों पूछना जरूरी है ना हा है ना सो so, स्टार्ट करते हैं कॉन्स करना अच्छे तरीके से ध्यान देना फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आज हम पढ़ने वाले हैं लोल कल हमने लॉ के पार्ट्स देखे थे याद है बोलो हाँ है ना आज हम इसको कंप्लीट करेंगे ठीक है और आज हम कंपनीज एक्ट को छुएंगे स्टार्ट नहीं करेंगे किसी को एकदम स्टार्ट नहीं करते पहले समझ में आ रहा है सब अरे आज हम कंपनी से अरे तुम <laughs> तो वैलेंटाइन डे जैसे नजदीक आ रहा तुम बिगड़ते जा रहे हो ठीक है ओयो आगे हाँ सो अरे मतलब ओयो ऐसे बिगड़ो मत रे ठीक है सो स्टार्ट करते हैं कंसोलिडेट करना डबल ट्रिपल पूरा बोर्ड के ऊपर ध्यान चाहिए हर एक का ठीक है सबसे पहले वॉट बाय लॉ ऑफ लैंड पहले तो इस वर्ड को डिवाइड करते हैं लॉ व्हाट इज लॉ सिचुएशन डिमांड्स द ऑफ ये तो पता ही है लैंड अबे जमी ट्रांसलेशन नहीं पूछा निकम्मो एक्सटेंट बताओ मेरे को कहां तक के अप्लीकेबल है मेरे देश की धरती ओ तुमको म्यूजिक लगता ना ठीक आ, 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 है मेरे देश की धरती और उसके मेरे सो इंडिया प्लस ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स मीन लैंड अंदमान सो अंदमान निकोबार ये तो ट्वेल्व नॉटिकल माइल्स के बाहर है बट फिर भी वो ही इंडिया ही है कंसर समझ में आ रहा है सबको हाई ना जैसे उधर के लोग बाहर रहते थोड़े से ध्यान नहीं रहता एखा था डे ड्रीमिंग में निकल जाता लेकिन इंडिया का पार्ट है अपना क्लियर तो है

पार्लियामेंट ने पास किया है या पार्लियामेंट के पहले अंग्रेजों ने पास करके दिया है देर आर मेनी लॉज जो हम अंग्रेजों के ही मानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डेढ़ सौ साल पुराना लॉ डेढ़ सौ साल पुराना मतलब अपने पर दादाजी ने भी वही सुना होगा क्लियर है दादाजी पर दादाजी जी ने भी वही सुना होगा डेढ़ सौ साल पुराना लॉ है 1872 में बनाया गया आज भी फॉलो कर रहे सेल ऑफ गुज एक्ट नाइन थर्टी वाला आज भी फॉलो कर रहे पार्टनरशिप आज भी फॉलो कर रहे बैंकिंग रेगुलेशन रेगुलशन चार्टर्ड अकाउंटेंटी फोर्टी नाइन हमने बनाए हैं बनायाबल है। इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन अंग्रेजों ने दिया है इंश्योरेंस एक्ट नाम का एक एक्ट है नाइनटीन थर्टी एट अंग्रेजों ने दिया है तो अगर मैं बोलू तो कोई भी एक्ट एक तो जो इंडिया के पार्लियामेंट ने बनाया इंडिया के किसने बनाया पार्लियामेंट ने पहली बात या तो फिर जो ब्रिटिशर्स ने बना के दिया आपने सुना होगा व्यापारी करके आए थे राज करके चले गए इंडिया पहले सोने की चिड़िया था बाद में सिर्फ चिड़िया बची अरे बोलो हा उसके बाद में तीसरा या कोई भी स्टेट लॉ कोई भी क्या बोले उसे? स्टेट लॉ बोलो जुबा केसरी महाराष्ट्र में गुटका बैन है ना हा So, कोई भी स्टेट लॉ गुजरात में लिकर बैन है तो कोई भी स्टेट लॉ ये होते हैं एक्ट ये क्या है बोले एक बार उसे एक्ट ये लॉ ऑफ लैंड का एक पार्ट है ये लॉ ऑफ लैंड का क्या है पार्ट पर जब जब इस धरती पे एक्ट में होता है कंफ्यूजन तब अवतार लेके आना पड़ता है दीदी को दीदी कौन निर्मला दीदी हा है ना तो निर्मला दीदी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मतलब डिपार्टमेंट अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और डायरेक्ट टैक्सेस के लिए दीदी एक ही है ठीक है सीबीडीटी में भी दीदी वही है ना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोलो ना हा है ना हाँ। तो डिपार्टमेंट के पास आएगा और डिपार्टमेंट बच्चों कितनी चीजें डिक्लेयर करता है बोले एक बार उसे तीन उसमें सबसे पहला क्या होता है नोटिफिकेशन दूसरा क्या होता है सरक्यूलर और तीसरा क्या होता है रूल्स लेकिन यह दूसरा वाला एरिया यहां फिट करने के पहले देर इज ऑल्सो वन मोर नीड नॉर्मली सबको यह पता होता है मेरे को यह दिखाना जरूरी है कि ऐसा होता है पर अगर मैं आपको बताऊं तो दिस विल बी योर थर्ड पार्ट दिस विल बी योर कौन सा वाला पार्ट थर्ड इसको अपने को खिसकाना पड़ेगा बिकॉज एक्ट और डिपार्टमेंटल क्लरिफिकेशन के बीच में भी एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्डिनेंस यह सुनाया होगा आपको विजय सर ने ऑलरेडी क्योंकि इस बार उनके इनकम टैक्स में ऑर्डिनेंस आया लास्ट इंटर बैच में कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस था 2019, जो बाद में बन गया कंपनीज एक्ट 2019। तेरे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। सो व्हाट इज ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस का मतलब होता है एन इमरजेंसी लॉ एन इमरजेंसी लॉ कैन नॉट बी पास एट पार्लियामेंट ट बी सब जन बोलो क्या है पास एट कहां बोले एक बार पार्लियामेंट क्यों पास नहीं किया जाता पार्लियामेंट में क्या लोगों का मूड नहीं है समझो तुमने लॉ रखा सब बोल रहे हैं मूड नहीं अभी बस करो ऐसा है क्या नहीं क्योंकि पार्लियामेंट इज आउट ऑफ सेशन आउट ऑफ क्या बोले एक बार सेशन उन्हाड़ी न्याय उन्हाड़ी सत्र हिवाड़ी सत्र पावसाड़ी सत्र ना विंटर सेशन समर सेशन अबे सुना है नहीं सुना है तो सेशन से बाहर है पार्लियामेंट बैठ नहीं सकती क्योंकि पूरा दिन भर सेशन में बैठेंगे तो काम कौन करेगा मिनिस्ट्री कौन संभालेगा आप तो पार्लियामेंट में लेके बैठ गए सबको पांच लोगों का काम कब करेंगे वो इसलिए सेशन के समय अलग काम करने के समय अलग कल समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना तो पार्लियामेंट हाउस आउट ऑफ सेशन बट इमरजेंसी है बच्चो क्या है इमरजेंसी तो अब बुलाओ प्रेसिडेंट को वैसे भी प्रेसिडेंट लोगों को इतने ज्यादा पावर नहीं है सभी पावर तो प्राइम मिनिस्टर को है ना प्रेसिडेंट को क्या छब्बीस जनवरी पे खड़ा रहना है पंद्रह अगस्त पे एक बार ठीक है इधर उधर बुलाया फॉलिसिटेशन वगैरह ठीक है और थोड़ा सा उनको अगर कोई स्टेट का गवर्नेंस मिलता है तो स्टेट का गवर्नेंस देखना है राष्ट्रपति राजवट सुना है ना आपने राष्ट्रपति महाराष्ट्र में लगते लगते बची लग भी गई थी लोग तो अभी भी कंफ्यूज है लगी थी या नहीं लगी थी या हमारी लग गई थी में आ रहा है सबको हाँ है ना तो प्रेसिडेंट के पास जाते और प्रेसिडेंट को बोलते भैया ये लोग बैठने के लिए रेडी नहीं है एक काम करो ना थोड़े दिन की बात कर दो थो, थोड़े से लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ बोलो जोर से स्मॉल मिलाते जाओ तो प्रेसिडेंट भी बोल देता है ओके मैं इसको पास करता हूं पर एक शर्त पे अगले पार्लियामेंट के सेशन में इसको रखना पड़ेगा शाहरुख खान ऐसे आप बैठ जाओ पर नेक्स्ट टाइम आओ तो रुकना दो मिनट बाहर जब मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है बैठो बैठो याद रखना देखा अभी जैसे ही वो आया ना इधर सब लोग बोला कहा हो गया तो ध्यान देना सो so, यहां पे प्रेसिडेंट ने बोला हाँ लेकिन प्रेसिडेंट कंडीशन क्या डाल रहा है आने वाले सेशन में आप सबसे पहले इसको कहां रखेंगे पार्लियामेंट तो ये वो लव स्टोरी है जो एंगेजमेंट और शादी के बीच में होती है हा ना ने हा बोल दिया पर शादी नहीं हुई इट इज अ कोर्टशिप पीरियड इट इज अ कौन सा पीरियड कोर्टशिप समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो ये चीज को याद रखना कि भाई एंगेजमेंट हो गया और शादी होना बाकी है तो प्रेसेंड ने बोला ठीक है वो नहीं क्या शादी फिक्स हो जाती है तो पेरेंट्स भी बोलते जा घूम क्या उसके साथ <laughs> बोलो हा है ना अरे होता है नहीं होता है तुम्हें कैसे पता चलो ठीक है को तो पता है मेरी तुम्हें कैसे पता तो घर पे जब शादी होती दोनों फैमिली करती है फिर थोड़ा सा रात को बाबू सोना पिकाचू बाबू सोना पिकाचू पता है ना बाबू प्राइमरी लेवल सोना थोड़ा ज्यादा पिकाचू मतलब आय है ठीक है तो बाबू सोना पिकाचू तो फिर वो हो जाता है थोड़ा सा हवा में लाल रंग दिखते हैं फिर पप्पा पप्पा जाओ मिलने आ, चला जाओ तो ये है ये क्या है बोले एक बार ऑर्डर फुल परमिशन नहीं है भाई सब कुछ नहीं कर सकते थोड़ा थोड़ा लेकिन आने वाले सेशन में इसको प्रेजेंट जरूर किया जाएगा कंसर्व समझ में आ रहा है सबको हाँ ना आने वाले सेशन में प्रेजेंट होगा फिर पास भी होगा क्लियर है कांसेप्ट फिर तुम लॉ के साथ जो खिलवाड़ करना है कर सकते हो कांसेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाय ना जोर से बोलो ऐसा ना तो इसे हम क्या कहते हैं बोले एक बार से? ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं बोले एक बार ऑर्डिनेंस कांसेप्ट समझ तो में आ रहा है इंडिया ने खुद का सबसे पहला ऑर्डिनेंस देखा था 1942 में और वो भी कंपनीज एक्ट का ही ऑर्डिनेंस था 1942 अ लव स्टोरी ऐसे नाम की पिक्चर भी है समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो ऑर्डिनेंस याद रखना काइंड ऑफ लव अफेयर अ ट्रांजिशनल थिंग कैसी वाली चीज बोले ट्रांजिशनल फिर अगर इससे भी बात नहीं बनी तो हम तीसरे एरिया पे जाते हैं जो क्या है एक बार डिपार्टमेंट जो कौन है एक बार डिपार्टमेंट कंसेप्ट समझ में आए फिर डिपार्टमेंट क्या डिक्लियर करता है नोटिफिकेशन सर्क्यूलर रूल सब जन बोलो क्या क्या नोटिफिकेशन सर्क्यूलर रूल क्लियर है कंसेप्ट एक बात थोड़ा सा बोलना भूल बुल गया दो मिनट के लिए याद रखना ऑर्डिनेंस को आप फ्यूचर लॉ भी कह सकते हो ऑर्डिनेंस को आप क्या कह सकते हो फ्यूचर लॉ जैसे कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस अभी अभी ताजा ताजा था मतलब लास्ट एग्जाम तक के ऑर्डिनेंस अपलीकेबल था अभी जो मे में, में एग्जाम देंगे ना उनको ऑर्डिनेंस अपलीकेबल है ऑर्डिनेंस लेकिन तुमको ये दो ऑर्डिनेंस 2019 का था ये जनवरी में रिलीज हुआ था कब रिलीज हुआ था जनवरी लेकिन आने वाले सेशन में ने इसको पास कर लिया, अब ये बन गया अमेंडमेंट एक्ट जिसका ईयर कौन सा है दो तो मे वालों को अप्लीकेबल था ऑर्डिनेंस और तुमको अप्लीकेबल क्या है एक्ट मतलब पास हो गया अब छुप छुप के मिलने की जरूरत सेप्ट समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना जोर से बोलो इस नो यह चीज को याद रखना अगला है डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन सर्कुलर रूल्स एक बार वापस नोटिफिकेशन मतलब क्या मतलब क्या होता है ओनली परमानेंट थिंग इज चेंज हा ना दुनिया बदलती रहनी चाहिए बोलो वॉट इज चेंजेस चेंजेस कौन से टाइप के क्या मैं लॉ से कुछ डिलीट कर सकता हूं नहीं कभी नहीं आ, कर सकता हूं नो सर यस सर जिनको समझ में नहीं आ रहा सर बोलो लॉ से कुछ डिलीट कर सकता हूं क्या नो no? यस yes? yes. वो कंफ्यूज हो गया कहा मुंडी घुमा रहा हूं सर नो या यस ऑब्वियसली कर सकता हूं ये आपके साथ हो चुका है बस आपको शायद किसी ने बोला नहीं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना इसके अंदर ऑलरेडी सेल ऑफ गुड्स इंक्लूडेड था और इसके अंदर ऑलरेडी पार्टनरशिप भी इंक्लूडेड था कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप दोनों इंक्लूडेड थे पर बाद में इनको सेपरेट किया गया और सेपरेट एक्ट बनाया गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेल ऑफ गुड्स का पोर्शन और पार्टनरशिप का पोर्शन उड़ा दिया गया और दो सेपरेट एक्ट है मतलब लॉ में से डिलीट हो सकता है मतलब लॉ के चेंजेस में सबसे पहला क्या आ सकता है डिलीशन कंसल्टी बराबर है बराबर डी के इंग्लिश आगे हाँ डिलीट के बाद में अगला क्या होता है एडिशन लॉ में क्या कर सकते बोले एक बार उसे एडिशन तुम्हें क्या लगता है इनकम टैक्स वालों को शौक है इनकम टैक्स वालों को शौक है मुझे बताओ तुम कोई एक्ट बनाओगे और मैंने तुमको बोला एक्ट बनाओ तो तुम सेक्शन नंबर कैसे रखोगे वन टू थ्री फोर फाइव ये ऐसा कैसा बनता है एटी क्यू क्यू बी एटी क्यू क्यू बी मतलब एटी में एबीसीडी झेड तक खत्म हो गए उसके वापस से बाद एबीसीडी झेड तक खत्म हो गए फिर उनको मिला बी क्यू क्यू बी ऐसे कौन लाता है सेक्शन कोई भी नॉर्मल नॉर्मल <laughs> कोई भी नॉर्मल रैशनल पर्सन ऐसे कभी लॉ नहीं बनाता है नहा। ऐसे कोई नहीं बना अगर किसी में ऐसा लिखा है ना ए मतलब भैयाडेड है, है? बाद में इंसर्ट किया या में नहीं था क्योंकि कोई भी बनाते हो ऐसे नहीं ना क्यों बनाओगे ऐसा? तुम ऐसा क्लियर है अगर तुमको कुछ डालना ही है उस सेक्शन में तुम सब करके डालोगे तुम ऐसा क्यों लिखोगे एटी ए इसका मतलब यह है कि सेक्शन एटी ऑलरेडी था हमको उसके ऊपर उसी से रिलेवेंट एक और सेक्शन एड करना था तो हमने किया एटी ए यह सेक्शन है अब इसमें कंफ्यूजन मत रखना एटी ए इज अ सेक्शन एटी ब्रैकेट में ए क्लॉज हो सकता है यह सबसेक्शन भी हो सकता है लेकिन यहां यह सबसेक्शन है अगर मैंने ऐसा लिखा एटी ब्रैकेट में वन और बाद में ए तो ये क्लॉज हो गया समझ आ रहा है सबको हाँ ना जोर से बोलो नो इज क्लियर अबाउट दिस तो मुझे बताओ, जिसके इसमें लेटर लगता है वो ओरिजिनल एक्ट में होता है क्या नहीं वो बाद में आया हुआ होता है समझ आ रहा सो एनी डिलीशन एनी एडिशन क्लियर है मल्टीप्लीकेशन so, दो प्रोविजन को मल्टीप्लाई कर दिया चौथी बना दी ऐसा होता है कभी बोलो हा है ना नहीं डिवीजन ऐसा करो तुम डिवाइड कर करके लॉ ही खत्म कर दो बोलो डिवाइडेड बाई चार इतने हैं तो ऐसा हो पाएगा क्या नहीं सो so, सिर्फ एडिशन और क्या बोले डिलीशन या फिर थर्ड वाला अल्टरेशन या फिर थर्ड वाला अल्टरेशन अल्ट्रेशन मतलब एग्जिस्टिंग को निकाल दिया उसके जगह पे नया लाया ये नोटिफिकेशन से होता है कैसे होता है नोटिफिकेशन देखो बच्चों मेरी तरफ बहुत अच्छे से नोटिफिकेशन लॉ को चेंज कर सकता है किसी भी हद तक किसी भी जोर से बोलो किसी भी लेकिन अगर नए सेक्शन से डालने हैं और वो भी रेंज ऑफ सेक्शन डालने हैं तो तुमको अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा मुझे एक ही सेक्शन डालना है सेक्शन 80 ए तो मैं नोटिफिकेशन से बोल दूंगा दिस अ नोटिफिकेशन इंसर्टिंग सेक्शन नंबर एटी ए क्लियर है सब सबको लेकिन मुझे रेंज ऑफ सेक्शन डालनी वन ट्वेंटी ए बी सी डी पूरा रेंज है अब कितने नोटिफिकेशन निकालू हर एक का एक तो उसको क्या कर देते हैं कंबाइन करके अमेंडमेंट एक्ट क्या कर देते हैं बोले एक बार अमेंडमेंट एक्ट जैसे फाइनेंस बिल दो ज अमेंडमेंट एक्ट टू इनकम टैक्स एक्ट इज अमेंडमेंट एक्ट किसको एक बार इनकम टैक्सली एवरीबडी मैं क्या कह रहा हूं पर क्लैरि सर्क्यूलर कोई चेंज कर सकता है क्या सर्कुलर कोई चेंज कर सकता है सर्क्यूलर कोई भी चेंज कर नहीं सकता सर्क्यूलर सिर्फ क्लैरि क्या कर सकता है क्लैरिफाइ कंसेप्ट समझ में आ रहा है yes no? सबको yes no? so, सब हाथ लास्ट वाला रूल्स रूल्स में क्या लिखा था कल मैंने जोर से बोलो क्या लिखा था प्रोसेस रूल्स में पहली चीज होती है प्रोसेस जैसे डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर पैन सुना है पैन पैन क्या होता है परमानेंट आइडेंट परमानेंट अकाउंट नंबर जैसे इनकम टैक्स में पैन होता है अगर आपको रिटर्न फाइल करना है तो पैन है सबके पास है, है। नहीं है। जिसके घर पे बिजनेस होगा उनके पास जरूर पैन होगा क्योंकि इनकम ट्रांसफर करनी पड़ती है ना किसी के नाम पे बोलो हाँ ना जिनके घर पे बिजनेस नहीं होगा सैलराइड होंगे उनके घर पे मुश्किल है कितने लोगों के घर पे बिजनेस हाथ रेस करो इसमें से कितने लोगों के पास पैन है ये जरूर होगा जिनके घर पे बिजनेस है उनके घर पे पैन जरूर होगा और आपके पप्पा को पूछना कम से कम अभी आपके बिजनेस रिटर्न में से लाख का इनकम दिख रहा होगा तुमको नहीं पता <laughs> पर दिख रहा है घर जाके आज फोन करके फिर पूछेंगे इसको गलती कर दी डाल के आगे okay, जिनके घर पे जॉब होगा उनके घर पे पैन इज क्वाइट मुश्किल बिकॉज ऑलरेडी तो जॉब वाली सैलरी इधर ट्रांसफर नहीं कर सकते ठीक है जैसे इनकम टैक्स में पैन नंबर होता है वैसे कंपनीज एक्ट में डायरेक्टर बनना है ना डायरेक्टर तो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे क्या कहते हैं डिन क्या कहते हैं बोले एक बार डेन मैंने सुना शिपी टी में फाउंडेशन फाउंडेशन में तुमने यल एल पी पढ़ा पढ़ा एल एल पी यू यल, रायला है हाँ ना यलएलपी में कुछ डेजिग्नेटेड पार्टनर नाम की चीज होती है आपको होता है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए भी डिन ही लगता है ये पता है अगर आपके पास डिन नहीं है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर तो आप डेजिग्नेटेड पार्टनर भी नहीं बन सकते अब अगर मैं बोलू डिन ये अपने सिलेबस का पार्ट है क्योंकि हमको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी मिनिमम डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनी ओपीसी ये सब डायरेक्टर्स देखने हैं और फाइनल लेवल पे डिन पास करने का तो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है कि डिन कैसे निकाला जा सकता है मैं प्रैक्टिस करता था जॉब करता था बीके खराय कंपनी के अंदर तब दिन के हम सात से आठ दिन निकालते थे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और हर डिन निकालने का फीस दो दो हजार रुपए रहता था लोगों के लिए डिन निकालते के उनका केवाईसी लेते थे नो योर कस्टमर ला भाई पैन कार्ड आधार कार्ड पासपोर्ट घर की जायदाद के पेपर सब 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 एवरीथिंग जायदाद के पेपर लगते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए तुम रह कहां रहे हो क्लियर है सब लेते थे और डिन फाइल दो हजार रुपए दिन के सात से आठ दिन बनाते थे मतलब हमारा प्रिंसिपल जो था जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट के नीचे काम कर रहे दिन का बीस हजार सिर्फ दिन का कमाता था महीने का छह लाख और स्टाइपेंड हमको मिलता था दो हजार बंद हुआ मजदूर सुना है आर्टिकलशिप यही है अभी तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है आर्टिकलशिप का स्टाइपेंड आठ हजार तक बढ़ाया गया है हमारे वक्त साढ़े सात सौ रुपए था भिकारी भी साला हमसे ज्यादा कमाता था सच्ची में हमारे पास रूम पार्टनर चार रूम पार्टनर थे एक ही स्प्लेंडर थी गाड़ी चलाता था भिखारी आता था भैया दो दो लोग नीचे उतरे भैया तुम ही दे दो तुम्हें <laughs> तो साढ़े सात सौ रुपए मैक्सिमम में पहुंचा था दो हजार तक के ठीक है मैक्सिम साइपेंट थर्ड ईयर वाला अब सोचो बंदुआ मजदूर दिन फाइल करते थे दिन का दो हजार रूपए आता था जान जाती थी हमारी बीस हजार गए थे बीस हजार बीस हजार समझ में आ रहा है सबको अब ये जो डिन है ये डायरेक्टर बनने के लिए भी लगता है डेजिग्नेटेड पार्टनर बनने के लिए भी लगता है आपको पता है डिन किसने शुरुआत की है आपको सुन के बड़ा अचरज होगा देखना चाहोगे साबास शानदार कैडबरी नहीं है नहीं तो मैं तुमको बॉक्स फेंक के मारता था <laughs> लेकिन बहुत खुशी हुई अगर आपको पता है ना दिल से खुशी हुई बेटा शानदार रतन टाटा इज अ जनक ऑफ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इन इंडिया और आपको शायद नहीं पता इंडिया का सबसे पहला डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर डबल जीरो जीरो रतन टाटा के नाम पे कंसेप्ट देख लो ना देखना चाहोगे बोलो हाँ है ना साथ में थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का साइड भी खुल जाएगा जिंदगी तुम्हारी सवर जाएगी थोड़ी सी बोलो ऐसा नो नॉर्मली फाइनल पे दिखाता हूं वाई शुड फाइनल गाइज हैव ऑल द फन ये इधर दिन जा सिम सिम सिबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो जीरो वन रतन नवल टाटा और जब आप मिनिस्ट्र, मिनिस्ट्री आज हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट ओपन करके देखेंगे जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट के ऊपर डिन डालते हो ना तो वो बंदा कितने कंपनीज में डायरेक्टर है और कितने एलएलपी में पार्टनर है एक लिस्ट में आ जाता है दीज आर द मेनी दंपनी जिसमें रतन टाटा खुद डायरेक्टर है और दीज आर दल एल पार्टनर है ये फायदा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइड का तुम्हें आर्टिकलशिप में घुसते से ही इन चीजों को चेक करना है घुसते से ही हो सके तो उसके पहले क्योंकि इंटरव्यू इंटरव्यू में सबसे पहली चीज वो यही पूछेंगे कि तुम्हारे टीचर ने क्या पढ़ाया समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना या तुमने क्या पढ़ा तो ये चीजों को याद रखना समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना। यहां पे अब अगर मैं बोलू डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर ठीक है डायरेक्टर्स to आइडेंटिफिकेशन नंबर मेरे को चाहिए मेरे को डिन लेना है तो ऐसे सिचुएशन में मुझे डिन के लिए प्रोसेस कंप्लाई करना पड़ता है क्या कंप्लाई करना पड़ता है प्रोसेस वो प्रोसेस के लिए मुझे मुझे कुछ फॉर्म्स लगेंगे उन्हें कहते हैं क्या बोले बात से ई फॉर्म्स हमारे सिलेबस में हम बहुत सारी इम्स e याद करने वाले हैं ठीक है सेक्शन so, में नहीं कुछ तो भी कम से कम पचास ई e फॉर्म्स को टंग पे रखना है कम से कम पचास को क्लियर है सो ई फॉर्म्स फाइल करने है, तो सभी प्रोसेस सभी ई e फॉर्म्स और उनको लगने वाली सभी की सभी फीस यह सब चीजें कहां बोली जाती है रूल्स ये होता है रूल आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं मतलब डिन मे को चाहिए सेक्शन 153 बोलता है कि बंदे ने डिन लेना चाहिए अरे पर कैसे कहां से लू कौन देगा ये कहां लिखा है रूल्स कैंसर समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना? डिपार्टमेंट में भी तुम्हें अगर कभी कोई कंफ्यूजन हो क्या हो जोर से बोलो क्या हो तो फिर हम दरवाजा खटखटाते हैं सुप्रीम कोर्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट सिर्फ कौन से केसेस एंटरटेन करते हैं क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ क्योंकि वो क्या है जस्टिस क्योंकि वो क्या है जस्टिस कंसेप्ट समझ में आया और ये चार चीजों को मिला के बनता है लॉ ऑफ लैंड आइडिया क्लियर है मैं क्या करूं सर कस्टम कस्टम इज नॉट लॉ ऑफ लैंड कस्टम इज जनरली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स पक्का समझ में आया कल ये चीजें स्कैटर्ड थी आज एक जगह पे आ गई यहां तक आइडिया क्लियर है सबको एवरीबडी लास्ट बेंचेस पूरा क्लियर पक्का समझ में आया लिख लो इसको गो फॉर इट फर्स्ट अगला सवाल पैदा होता है जहां तक मेरे को बेसिक्स ऑफ लॉ खत्म करने थे मेरे खत्म हो गए ठीक है एक चीज कंपनी छूने के पहले कंपनीज एक्ट को छूने के पहले सीधा अपन सेक्शन वन पे जंप करे जंपिंग इज नॉट गुड थिंग ठीक है धीरे धीरे धीमे धीमे ठीक है आगे ध्यान देना सवाल है हाउ टू स्टार्ट द लॉ हाउ टू स्टार्ट द लॉ कोई भी लॉ में घुसने के पहले उस लॉ के बारे में चार चीजें पता होनी चाहिए सर ऐसा भी कुछ होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो है तो भी निपट गया सेल ऑफ गुड्स तो नींद में निपट गया पार्टनरशिप में डिजोल्यूशन और डेथ ऑफ पार्टनर्स छोड़ के कुछ याद नहीं आ रहा बोलो हाँ ना सो हाउ टू स्टार्ट द लॉ में सबसे पहले किसी भी लॉ का आपको पता होना चाहिए बच्चों हिस्ट्री क्या होना चाहिए हिस्ट्री क्यों हिस्ट्री क्यों क्यों हिस्ट्री तो बचपन में भी नहीं पसंद आई थी इसलिए तो सीए में आए हैं सर आई एम वेरी श्योर हिस्ट्री में आप में से किसी को मार्क्स नहीं होंगे थे मतलब वो तुम जो पानी वानी पद की लड़ाई वगैरह वो थी वो सब पढ़ा अच्छे से मतलब वो वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर टू के हिटलर वगैरह सब अच्छे से पढ़ा क्या मजाक कर रहे हो सच्ची में सिर्फ सिविक्स छोड़ दिया हा बोलो हा कोई भी दुनिया मतलब मेरे को समझ में नहीं आता हिस्ट्री में अच्छी चीजें पढ़ानी चाहिए बुरी चीजें पढ़ानी चाहिए बाल मनावर क्या वाइट परिणाम होता अरे बाल मन पे क्या गलत संस्कार होते पता है हिटलर ने लाख लोगों को मार दिया अब आदमी इससे क्या सीखेगा मतलब ऐसा भी कर सकते हैं बोलो हाँ ना सो so बेसिकली देखा जाए तो हिस्ट्री इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन टू अंडरस्टैंड सिचुएशन क्योंकि सिचुएशन डिमांड्स द लॉ लॉ बनाने के पीछे का पर्पज लॉ बनाने के पीछे का, का मकसद ये सब आपको कहां से पता चलेगा हिस्ट्री इट गिवस यू लॉजिक इट गिव यू पर्पस इट गिवस यू मकसद समझ में आ रहा है सबको हा मैं मतलब इंग्लिश में तो स्पेलिंग है हिंदी में भी स्पेलिंग है मेरे आगे हिस्ट्री के बाद अगली हाँ तो सांडा ने पूछा था ना खुद को संभालते हुए कि मैं क्यों को मानू पूछा था नहीं पूछा था तो फिर हमने क्या बोला था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में एक्सप्लेन किया है कि तुमको लॉ लगेगा क्लियर

इनकम टैक्स हाँ ये बताया होगा क्या है एटी टू बोलो ऐसा कि पिछले पाप धोने हैं कॉन्ट्रैक्ट टैक्स सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप का मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चाहिए और अगर तुमने सीनियर से पूछा गया पूछ रखा होगा तो तुम्हें पता होगा दर्शन खरेज वेरी सीरियस अबाउट हिज होमवर्क वेरी ये सुना है तुमने मस्ती करना चाहो तो मैं देवता हूं होमवर्क ना करो तो मैं राक्षस हूं याद रखना तो होमवर्क लिख के रखो कहीं तुम भूल ना जाओ गलती से भूल गए तो कल मैं भूला देना मुझे है अलविदा तुझे करना पड़ेगा मेरे को लिख के रखो मेरे को तीनों एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चाहिए तीनों की क्यों एलएलपी भी ऐड करो ऑप्शन में छोड़ा इसका मतलब ये थोड़ी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं ढूंढेंगे ऑप्शन में छोड़ा था ना एलएलपी अच्छा चेहरे तो ऐसे मासूम बनाते हैं ना सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चार एक्ट की कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप और एलएलपी। और कोई किसी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉपी नहीं करेगा टीचर भी कभी स्टूडेंट था ले रहे, ने तो कल क्लास में आते सी, एक कल का होमवर्क किया क्या कर किया क्या, क्या पूरे डेस्क पे एक ने तो किया होता है समझ में आ रहा है अगले कोर्स के जितने भी सिलेबस के लॉज है मतलब आदत रहेगी क्योंकि सी अंडरस्टैंड प्लीज वेरी सिंपली मैं फाइनल को भी बोलता हूँ फाउंडेशन को भी बोलता हूँ इंटर को भी बोलता हूँ मेरा यहां पे काम खत्म होने के बाद तुम्हें अगर मेरी जरूरत वापस पड़े तो मैं बहुत बुरा टीचर हूं समझ में आया जिस दिन मैंने लेक्चर खत्म किए उस दिन तुमको वापस मेरी जरूरत पड़ गई मतलब मैं बहुत बुरा टीचर हूं अगर तुमको मेरी जरूरत ना पड़े सब लेक्चर खत्म होने के बाद लॉ पढ़ने के लिए तो मैं बहुत अच्छा टीचर हूं पर फाइनल पे आना हा? तो बेसिकली ये है यहां हम ये नहीं पढ़ने वाले कि लॉ का सिलेबस क्या है मैं पूरे सीए इंटर लॉ का सिलेबस वन डे में भी रिवाइज करवा सकता हूं विथ कंसेप्ट कर दू कल अब हम सिलेबस खत्म करने के लिए आया है क्या एवरीबडी प्लीज टेल मी प्लीज प्लीज टेल मी हम सिलेबस खत्म करने आए हैं नहीं हम क्या पढ़ने आए हैं तो है तो अगर तुमने आर्टिकलशिप में कोई नया लॉ उठा भी लिया जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट तो तुमको समझ में आना चाहिए कि उसको मैं खोलू तो मैं स्टार्टिंग कहां से करूं दिस इज इट कि तुमने कहां से स्टार्ट करना चाहिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट को देख रहे हो सबसे पहले हिस्ट्री ढूंढो जाओ गूगल पे सर्च करो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट का हिस्ट्री क्या है फिर देखो कि कौन से एंट्री में पास हुआ समझ में आएगा कि एंट्री में क्या लिखा है हमने कंपनीज फोर्टी थ्री फोर्टी फोर पढ़ा तो समझ में आया कि यह कॉरपोरेशन बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस इन सबके लिए है पढ़ा था नहीं पढ़ा था एवरी पढ़ो खाए ना तो पढ़ोगे तो समझेगा ना मेहनत तो करनी पड़ेगी हम यहां क्यों खड़े हैं क्या लगता है ऐसे ही आगे ऑफकोर्स नॉट मेहनत की होगी तब जाके यहां पे आए होंगे सो so, तुमको भी करनी समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना। तो एक चार एक की और आने वाले सिलेबस के सभी लॉस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आप ही ढूंढोगे क्लियर है वादा रहा वादा रहा डील अरे बोलो ना हाँ है ना ऐसी कैसी डील होते तो डील जोर से बोलो डील सर समझ में आया पक्का हाँ सबके ढूंढ के लाना है अपने को ठीक है एक एक टास्क काटा जाएगा हिस्ट्री हो गया दूसरा क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चलो ये तो ठीक है तीसरी चीज तुमको समझ में आनी चाहिए ऑथोरिटी स्ट्रक्चर ऑथोरिटी स्ट्रक्चर बहुत दुख होता है बहुत दुख होता है आंखों से आंसू बहते हैं पूछो कब जब फाइनल पे बच्चा आता है इंटर वाला और मैं पूछता हूं कंपनी एक्ट की ऑथोरिटी कौन सी तो मुंह से अल्फाज नहीं निकलता एक्सेप्ट फॉर आर तुमने भी आरोसी सुना होगा फाउंडेशन में तुमने कंपनी होगा फाउंडेशन में क्या है आर क्या है मतलब लॉन्ग फॉर्म नहीं चाहिए मेरे को लॉन्ग ये तो लॉन्ग फॉर्म कंपनीज का रजिस्ट्रेशन रजिस्टर आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज अरे मतलब चाहिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन <laughs> कौन सी ऑथोरिटी है एडमिनिस्ट्रेशन है जुडिशियल है क्या करती है एक्टिव कंपनी डोरमेंट कंपनी खत्म कंपनी सिक कंपनी कौन सी कंपनी को संभालेगी सबको ना गई भैंस पानी में भैंस का पूरा तबेला गया पानी में यही तकलीफ है फाइनल पे ऐसे ही ऐसे ही सवाल के जवाब मिलते हैं मेरे को और ऐसे ही आंसू बहते हैं मेरे समझ में आ रहा है तो इसको आज हम देखेंगे तुमने पढ़ा होगा लेकिन वो वहां से शुरू नहीं होता है वो यहां से शुरू होगा ऑथोरिटी स्ट्रक्चर इज मस्ट एक्ट में घुसने के पहले ऑथोरिटी स्ट्रक्चर आंखों के सामने होना चाहिए तुम्हें ऑथोरिटी नहीं पता ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक पुलिस नहीं रहा तो क्या होता है पता है ना सबको तुमने कंपनी जैक्ट पढ़ लिया बिना ट्रैफिक पुलिस के सर वहां तो ट्रैफिक पुलिस वैसे भी नहीं है मार खाओगे थोड़ा सा सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर यह बहुत इसेंशियल चीज है किसी भी लॉ में नॉर्मली दो टाइप की ऑथोरिटी रहती है एडमिनिस्ट्रेशन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल फतक की बात यह है तो कंपनीज एक्ट का तो इंट्रोडक्शन था कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा पढ़ लिया तुमने बताओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अथॉरिटीज कौन है हां मतलब मन मन अंदर बोल रहा है ये ये अपना ही दिल अपने अंदर बोला हां मेरे को अभी तक नहीं पता सच्ची हु इज अथॉरिटी अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हु इज अथॉरिटी अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पार्टनरशिप ये तो खत्म हो गया ना फाउंडेशन पास हां सीए इंटर पास करेंगे ओ सी ए बनेंगे ओ कैसे समझ में आ रहा है यहां से शुरुआत होनी चाहिए होमवर्क नंबर टू लिखो कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप के अथॉरिटीज़ ढूंढ के लाओ पिछले पाप धो पहले तो आगे बढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप एलएलपी का मत ढूंढना मैं हूं ठीक है तीनों का समझ में आ रहा है तो आज से तुम्हारा होमवर्क शुरू पहले दो दिन आए थे कितना पिकाच परेड शुरू बेटा हाँ नो पिकाचू ठीक है सो अथॉरिटी स्ट्रक्चर में कौन सा ऑथोरिटी बोले एक बार एडमिनिस्ट्रेशन और कौन सा जुडिशियल और फिर चौथी चीज सर चौथी भी होती है हाँ बेटा चैप्टर स्ट्रक्चर फतह की बात बताऊ कंपनी टोटल कितने चैप्टर्स थे नंबर बोल दो चल जाएगा तो क्या तो लॉ पड़ेगा रे <laughs> वो है ना बाबू वही क्या तो चोर बनेगा रे तू क्या तो डाकू बनेगा रे <laughs> बोलो लगाओ बोली <laughs> अबे ट्वेंटी नाइन कंपनीज एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूछा कॉन्ट्रैक्ट पूछा कंपनीज पूछा हाँ कंपनीज में ट्वेंटी नाइन माई मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है पन्ने सात सेल ऑफ गुड्स होमवर्क नंबर तीन ला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप सर ये तो हो गया ना इसकी क्या जरूरत है बराबर है एक ही सवाल पूछता हूं मेरे को सही जवाब देंगे तो सब होमवर्क कैंसल ठीक है वेदर इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और नॉट yeah. oh. <laughs> yeah. 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 क्वेश्चन नो आया जोर से हा yeah. Yeah. थोड़ा एक सवाल खुद से पूछना अगर इंसॉल्वेंट पर्सन को इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग माना तो लाइफ टाइम सॉल्वेंट हो पाएगा क्या मतलब तुम उसको लाइफ टाइम भिखारी रखना चाहते हो ऐसा भी होता है बोलो हाँ ना, तो तुम्हारा होमवर्क फिक्स है अभी जिंदगी में ठीक है तीन चीजें याद रखना यस क्या मेरे से ही पढ़ा है निकम में तू ठीक है सो चार चीजें लॉ पढ़ने के पहले कितनी चीजें चार सबसे पहला एवरीबडी कौन सा दूसरा तीसरा चौथा क्लियर है अब इसमें से मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कंप्लीट कर दिया 43, 44 लिख लिया यूनियन लिस्ट आपको दिखा दी थी बराबर है? बोलो हा हाँ, जोर से बोलो हा क्लियर हाँ, है दूसरा है ऑथोरिटी स्ट्रक्चर जिसको मैं खोलने वाला हूं ठीक है बोलो कौन सी ऑथोरिटी कंपनी आपको गवर्न करती है इर्शाद कौन सी ऑथोरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट जोर से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर चेयरमैन कौन है दिदी, दिदी, दिदी। बोलो कौन है दीदी क्या नाम है दीदी का दिदी। निर्मला, निर्मला सीतारामन दीदी बोलो हाँ है ना हाँ। पूरे इंडिया से कभी गालियां पड़ती है कभी मेम बनते हैं कोई भी बड़े आदमी के ऊपर मेम बनाना आसान है बेटा निर्मला सीतारामन का स्ट्रगल हिस्ट्री देखना फटके हाथ में आ जाएगी तुम्हारे लेडी होने के बावजूद भी इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर है ऐसे तो नहीं हुई होगी लगी तो होगी अब ढूंढना कहां से लग गई पता चलेगा कैलिबर कैसा लगता है वहां तक पहुंचने के लिए वो भी लेडी होने के बावजूद ठीक है इन चीजों से समझो किसी के ऊपर मेम बनाना किसी को बोलना आराम हम भी मनाते हैं बट हम तब जब उनसे समझते हैं सीखते हैं कुछ लेते हैं ध्यान रखते हैं एक लेडी होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में खड़े होने के बाद के सामने इनकम टैक्स का स्पीच देना खतरे से खाली चीज नहीं है बेटा कभी भी कोई भी कोई माइक फेंक के मार सकता है हमें <laughs> नहीं तो क्या वो माइक फेंक के ना मारे इसलिए पहले वो हैंडल वाले माइक आते थे अब एक डंडी आती है सिर्फ कि के मारे तो भी ना लगे <laughs> बोलो हा है ना तो बेटा निर्मला सीतारामन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हेड ठीक है नमस्कार कर रहे ना तुम्हें? नमस्कार तो करो बोलो नमस्कार आ गया सुनाई दे गया उनको ही निर्मला सीतारामन मैम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स चेयरमैन डिवाइडेड इंटू टू अथॉरिटीज वन इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट सेकंड इज जुडिशियल कौन सी अथॉरिटी जुडिसियल ट इज डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल समझाओ सिंपल वर्ड्स में जो लॉ को रन करते हैं कंट्रोल करते हैं डायरेक्शंस देते हैं दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोरिटी जो लॉ के डिस्प्यूट को कंट्रोल करते हैं काय को डिस्प्यूट को दैट इज अ जुडिशियल एक बार वापस बोलो जो लॉ को रन करते हैं कंट्रोल करते हैं डायरेक्शन देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी और जो किसको कंट्रोल करते हैं डिस्प्यूट दैट इज जुडिशियल जुडिशियरी जज सिमिलर साउंडिंग जज क्या करता है डिस्प्यूट कंट्रोल बोलो हाँ ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑथोरिटी फर्दर डिडेड इंट टू पार्ट फर्स्ट इज रीजनल डिरेक्टर सेकंड रीजनल डायरेक्टर के नीचे आता है आर अच्छा ये यहां है मतलब इसके ऊपर भी कोई था ऊपर नहीं बाजू में भी है इसके बाजू में और आता है लिक्विडेटर हम्म नहीं बिल्कुल तमज में नहीं आया बिल्कुल तमज में नहीं आया आ तू अब समझना अगर कंपनी एक्टिव है चल रही है मस्त भले ही लॉस करे या प्रॉफिट करे चल रही है रीजनल डायरेक्टर आर कंपनी बीमार है सिक कंपनी कंपनी चल नहीं रही डोरमेंट कंपनी कंपनी वाइंडिंग अप में जाना चाहती है डब्ल्यू यू अप वो वो बोलो अबे पहले वाले तो बोलो क्या सिक कंपनी डोरमेंट कंपनी और तो ऐसे केसेस में कौन संभालने आएगा लिक्विडेटर ओ ओ ओ ओ पक्का तमज में आला है बोलो हाँ ना इंडिया में कितने कंपनीज है वैसे इंडिया में कितने कंपनीज है बहुत सारे वाह सो so ऑसम awesome जवाब कहा से आता है इतना टैलेंट जिसने बोला आओ मैं भारत रत्न देना चाहता हूं इंडिया में रहने दो <laughs> इंडिया में टोटल कंपनीज बच्चों पंद्रह लाख तीस हजार प्लस सर एग्जैक्ट बोलो भगवान को नीचे नहीं बुलाऊं, पंद्रह लाख तीस हजार प्लस इसमें से पब्लिक कंपनीज हार्डली होगी तीन से चार लाख और इसमें से प्राइवेट कंपनीज बची हुई होगी विच कैन रेंज फ्रॉम इलेवन टू फिफ्टीन इलेवन टू ट्वेल्व लैक्स तीन से चार लाख पब्लिक कंपनीज में से भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर पांच हजार एक सौ कंपनीज लिस्टेड है जिनके नाम तुम्हें शायद पता होंगे तो इंडिया में पंद्रह लाख तीस हजार कंपनीज में से सिर्फ पांच हजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड है जो तुमने सुनी हो सकती है आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं अब पंद्रह कंपनी जिसके अंदर खेलने वाले 130 करोड़ की जनता अथॉरिटी है सिर्फ एक बहुत बहुत तो अथॉरिटी का नंबर बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग अलग नहीं बनाए इन्होंने इसमें डिवीजन कर दिया रीजनल डायरेक्टर्स के नंबर बढ़ा दिए आरओसीज़ के नंबर बढ़ा दिए लिक्विडेटर तो हमेशा वैसे भी वेरिएबल होता है तो इंडिया में बच्चों सात रीजनल डायरेक्टर्स हैं अलग अलग रीजन के लिए और 37 सेवन स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरी के लिए 22 आर हैं है झूठ बोल रहे होंगे आप तो हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं बोलो ना हाँ है ना तो आ जाओ हाथ के कंकड़ को आरसी क्यों बोलते हैं ना वो हाँ ना। है ना कहावते मुहावरे सुने हैं तेल लेने के हाँ ये लो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट कंपनीज़ में घुसे उससे पहले पता होना चाहिए ना कौन से कुएं में कूद कुदरे पानी है नहीं है कि दा जमीन पे जाके गिरेंगे बोलो हाँ है ना अ वेबसाइट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जिसके अंदर आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे किसी भी कंपनी से किसी भी डायरेक्टर से किसी भी कंपनी के क्रिएटर डायरेक्टर से रिगार्डिंग थोड़े से ऑप्शन में आपको दिखाना चाहूंगा प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए होम अबाउट एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये इसका स्ट्रक्चर क्या है उसके अंदर अबाउट एमसीए एमसीए इंट्रोडक्शन मटेरियल यूनिफाइड मैन्यूअल्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलग 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 अलग, -अलग, -अलग कोर्सेस और अलग अलग चीजें लिखी है एक्ट्स और रूल्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कितने एक्ट्स को कंट्रोल करता है सबसे पहला क्या लिखा है दिख रहा है सबको कंपनीज एक्ट दूसरा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तीसरा इंसॉल्वेंसी बैंक चौथा कॉम्पिटिशन एक्ट पांचवा पार्टनरशिप एक्ट छठवा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट अपने को भी कंट्रोल करता है हां है ना बोलो यस और नो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आ आ आ आ सिराज मुझे मेरे बारे में नया ज्ञान प्राप्त हुआ समझ में आ रहा है तो तुम इसी मिनिस्ट्री के अंदर आते हो ठीक है अगला किधर गया हां कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज एबीसी के अंदर आते हैं कंपनीज डोनेशन वगैरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह भी इसी के अंदर आते हैं फिर माई वर्क प्लेस फिर एमसीए सर्विसेस मैंने जो डिन निकाल के रखा था ना डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ये इधर से निकाला था डिन स्टेटस से दिशा अरे बोलो हाँ ना यहां से निकाला था इसमें आप किसी का भी डिन डाल सकते हो अगर आज आपको ट्रायल करना है एमसीए डॉट जीओवी डॉट इन साइट पे जाना वहां पे माय एमसीए सर्विस में जाना एनक्वायरी डिन में गूगल पे सर्च करना नारायण मूर्ति का डिन क्या है वो यहां पे डाल के देखना तुमको समझ में आएगा नारायण मूर्ति कितने कंपनीज में डायरेक्टर है और कितने एल में पार्टनर है आगे डाटा एंड रिपोर्ट जो कभी कभी काम में आ सकता है कॉन्टैक्ट्स में आपको दिखेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स फिर उसके बाद में आएगा रीजनल डायरेक्टर्स रीजनल डायरेक्टर दिख रहा है बच्चों बोलो हा है ना अब ये रीजनल डायरेक्टर्स में कितने बोले थे मैंने बोलो बच्चों एवरीबडी बोलो कितने देखते हैं साथ है या नहीं है ठीक है सो दिस इज अ रीजनल डायरेक्टर का डाटा जो स्पेसिफिक रीजन को कंट्रोल करते हैं नाम याद रखने की जरूरत नहीं है पर रीजन याद रहे तो बहुत अच्छा ईस्टर्न रीजन ईस्टर्न रीजन मतलब कौन से स्टेट्स? ईस्ट वाले स्टेट्स, ना आसाम मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा अरुणाचल प्रदेश कुछ याद आया ये ईस्टर्न स्टेट्स फिर दूसरा सदन स्टेट सदन मतलब सदर्न रीजन मतलब वो जलेबी जलेबी वाले सब जलेबी जलेबी जो होते है ना वो सब वाले हा ना जलेबी जलेबी लैंग्वेज है ना उनकी बोलो सुनो फिर उसके बाद में नॉर्दर्न जम्मू कश्मीर हरियाणा दिल्ली बोलो हाँ है ना वेस्ट रीजन जाए महाराष्ट्र अरे बोलो ना हाँ है ना नॉर्थ वेस्ट रीजन नागपुर समझ में आ रहा है वहां से लेके इधर नासिक वगैरह वाला एरिया फिर उसके ऊपर मध्य प्रदेश में और गुजरात में थोड़ा सा एरिया नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट तेलंगाना आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में तो कांड हो गया एक नहीं तीन तीन राजधानियां डिक्लेयर कर दी उन्होंने सुना आपने आंध्र प्रदेश स्टेट की तीन राजधानी नहीं सुना आपने आंध्र प्रदेश स्टेट की तीन राजधानी है अमराव थी वहां पे भी एक थी है दूसरा गुंटूर वगैरह कुछ तो भी और तीसरा वाइजैक न्यूज़ देखते हो नहीं देखते हो सर सेलफोन के वीडियो से मतलब तो रीजन टोटल रीजन कितने हो गए बोले एक बार सात एक दो तीन चार पांच छह सात ये है रीजनल डायरेक्टर्स कौन है बोले एक बार रीजनल आर ओ कितने बोले थे ऑफ कंपनीज आंध्र प्रदेश तेलंगाना आसाम मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश एक ही आरोपी है सबको मिला के बिहार झारखंड एक छत्तीसगढ़ एक बिहार झारखंड में दो आरोसी है एक्चुअली आप देख सकते हो तो दिल्ली हरियाणा एक ही आरोसी है गोवा दमन दीव गुजरात जम्मू कश्मीर अभी इसके अंदर लेह लद्दाख भी आ गया कर्नाटक केरला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में कितने आरोसी है बच्चों दो एक है मुंबई दूसरा है पूना पुणे में है विजया खांडरे मैडम समझ में आ रहा है खाना वाला बस स्टॉप देखा है वो बस स्टॉप के सामने व्हाइट कलर का बिल्डिंग है पीएमटी वाला उसके अंदर जाना वहां पे मैडम को हाय मैडम कैसे कैसे बोल दर्शन करने बोलो हा है ना। और इधर मुंबई आरोप ठीक है गवर्नमेंट ऑफिस एस है एसपी कुमार साहब ये साहब लेते भी है देते भी है गवर्नमेंट ऑफिस है ना लेना देना लेना देना चलते रहे। लेना देना अंडर टेबल अब ये भी समझाना पड़ेगा तुमको मैं कैसी क्लासेस ले रहा हूं जिंदगी में आगे ये होने के बाद में ओरिसा फिर पंजाब चंडीगढ़ पौंडीचेरी तमिलनाडु अच्छी बात है पूछो क्यों क्योंकि महाराष्ट्र जैसे तमिलनाडु में भी दो आरोसी है एक है चेन्नई दूसरा है कोयम्बतर क्या मुझे बता सकते हो महाराष्ट्र में दो आरोसी क्यों है वैसे तो थर्टी सेवन स्टेट्स में सिर्फ ट्वेंटी टू है महाराष्ट्र और तमिलनाडु पे ऐसी क्या मेहरबानी है फाइनेंशियल कैपिटल अपना है भाई अपना एरिया समझ में आ रहा है सबको हा ना मुंबई जितनी कंपनीज मुंबई में रजिस्टर्ड होगी उतनी 10-12 स्टेट मिलके भी रजिस्टर्ड नहीं होगी कभी पे समझ में आ रहा है सबको इसलिए मुंबई का आरोसी अलग ही कर दिया आपको पता है मुंबई में मुंबई ठाणे नाशिक और पूरा विदर्भ आता है विदर्भ पता है ना कहां से कहां तक औरंगाबाद अकोला अमरावती नागपुर चंद्रपुर पता है अच्छा ये सिटी है ये तो भी पता है क्या पुणे आरोसी पुणे और मराठवाडा कोल्हापुर सातारा सांगली झनझणीत प्रदेश अरे बोलो ना हा ना तो ये चीज को याद रखना तमिलनाडु में क्यों क्यों दो चेन्नई कोयम्बतुर चेन्नई बहुत बड़ा बिजनेस हब है और बहुत पुराने जमाने से इंडिया का कल्चरल फाइनेंशियल कैपिटल दोनों मामलों में रह चुका है और दूसरा क्लियर है तो बेसिकली देखा जाए तो पूरे थर्टी सेवन स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज में सिर्फ दो ऐसे स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज है जहां दो दो आरोसी एक महाराष्ट्र और दूसरा कौन सा तमिलनाडु इस चीज को गार्ड बांध के याद रखना मरने के बाद भी जलने के बाद भी कबर के अंदर भी कभी अगर तुम निपट गए कबर में हो मैं बोला कबर पे आए, ए उठ उट। उठना और कहा दो, दो आरोसी है बोलना महाराष्ट्र तमिलनाडु सो जाना मिट्टी में डालेगा समझ में आ रहा है सबको हाँ ना कहा दो दो आरोसी है बोलो एक बार जहां पे कितने आरोसी है तो आज दिन भर यही करना है अपने को यहां क्लास छुट्टी घर पे गए मम्मी ने बोला आ गया मेरा सोना पिकाचू मम्मी को बोलना महाराष्ट्र तमिलनाडु मम्मी बोले कि सिर पे असर हुआ है मम्मी पप्पा बोले पढ़ाई कैसे चल रही है पप्पा महाराष्ट्र रात को फोन आएगा तुम्हारे खास वाले का आज कौन सा डे है ऐसा भी डे होता है तो जो भी डे है आज तो शाम को आएगा ना मुआ कल मुआ करने के लिए अरे बोलो हाँ है ना। तो फोन आएगा बोलेगा बाबू चुका है है समझ में आ रहा है। कल सवेरे तुम्हारा होगा अकाउंट्स का लेक्चर लोग आके बोलेंगे गुड मॉर्निंग बोलना सर महाराष्ट्र कितने आ फिर विजय सर आएंगे चिल्लाएंगे बच्चो अरे हाँ ना फिर कुछ ऐसा खेप खीप में है हाँ। तो क्या बोल रहा सर महाराष्ट्र तमिलनाडु दो है फिर कॉस्टिंग फिर भी महाराष्ट्र फिर मैं आऊंगा बोलूंगा गुड मॉर्निंग समझ में आया पक्का आइडिया पूरा क्लियर है मरने के बाद भी जलने के बाद भी कबर के क्योंकि इसके ऊपर अपने कम से कम चार मार्क डिपेंड है कितने मार्क तो सर कैसे आएगा सब आज ही पढ़ाऊंगा तो सिलेबस में क्या करूंगा समझ में आ रहा है सबको हाँ है ना तो कितने गिनना पड़ेगा ना बाईस बोले थे मैंने सर झूठ भी बोल सकते हैं गिनो हो जाओ शुरू एक, दो तीन चार पांच छ आठ ग्यारह रुको ना मैंने ड्रैग ही नहीं किया हद होती है जिंदगी के अंदर बाईस पे आके रुक जाते थे नहीं मैंने गलत ही पढ़ाना है पहले तो अभी इसके सकहा तक पहुंचे थे पक्का बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस इक्कीस बा... बाईस हुए क्या पक्का बाईस ही हुआ ना कि मेरी गिनती गलत हो गई उन्नीस के बाद इक्कीस बोला वो आज किस डे है ना इसलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए यहां तक समझ में आया पक्का सबको एवरीबॉडी बोलो हाँ है ना एक चीज होने के बाद अब बारी आती है किसकी लिक्विडेटर कौन बोले एक बातों से लिक्विडेटर का नंबर हमेशा वेरिएबल होगा पूछो क्यों <coughs> क्योंकि लिक्विडेटर आप लोग हो सीए बनने के बाद में इंस्टीट्यूट ऑफ टाटा अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वही कॉलेज जिससे तुम सीए कर रहे हो बोल बोल के थक गए जिंदगी पर साला ऐसा लगता है पार्टी लगा के घुमाऊं बोलो आया हाँ ना और कौन से कॉलेज से सीए कर रहा है इधर <laughs> <laughs> लेके चलता मैं तेरे को एक बार तो सो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया सीए बनने के बाद में एक एग्जाम कंडक्ट करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रेप्सी एग्जाम ठीक है उसमें यह पढ़ाया जाता है कि डूबे हुए लोगों को और कैसे डुबाएं ऑलरेडी डूबे हुए हैं ये क्या लगता है सिक कंपनी डूबी हुई कंपनी डूबी हुई डूबी हुई कंपनी इनको और कैसे डूबा खत्म कैसे कर दे इसका एग्जाम होता है और जहर एग्जाम होता है। पास कर दो तो तुमको ऑफिशियल लिक्विडेटर का टाइटल मिलता है और हो सकता है कि तुम्हारा नाम ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर खुद खुद पब्लिश कर दे उनके वेबसाइट के ऊपर अगर किसी कंपनी को लिक्विडेशन करना है तो इस तरीके से तुम्हारे कॉन्टैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट के ऊपर पब्लिश किए जाते हैं क्लियर है पर यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत दम गुर्दा और भी बहुत सारी चीजें चाहिए समझ में आ रहा है सबको हा ये ऐसे ही यहां पे नाम नहीं आ जाता ऑफिशियल रिकमेंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और ये बिजनेस में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है और बहुत ल्यूक्रेटिव भी है पूछो क्यों पूछो क्यों इंडिया में 2013 तक के पर एन एम डेढ़ लाख कंपनीज रजिस्टर होती थी डेढ़ लाख चलो ऑन एन एवरेज एक लाख ले लो सत्तर साल का हमारा इंडिपेंडेंस है तो ऑफिशियली सत्तर लाख कंपनीज रजिस्टर्ड होनी चाहिए चलो बीस लाख उसमें भी डिस्काउंट कर दो पचास लाख तो होनी चाहिए एग्जिस्टिंग मतलब 45 लाख कंपनी पिछले 70 साल में डिजोल्व हो गई है तो बिजनेस कौन सा बड़ा है बनाने का बिजनेस बड़ा नहीं है डुबाने का बहुत बड़ा है भाई समझ में आ रहा है ना nah. सीए मतलब वो जहां पैर मारे वहां से पानी निकले समझ में आ रहा है सबको कहा है ना याद रखना इसको और आपको शायद नहीं पता इसकी फीस किस तरीके से चार्ज होती है इसलिए तुमको सीरियसनेस नहीं आ रहा कैसा पैसा दिखाए बगर तुमको सीरियसनेस आता ही नहीं ना <laughs> जिंदगी का प्रॉब्लम ही वो है मैंने डिसाइड किया था सीए क्यों करना है पहला सवाल मम्मी ने बोला मेरा एक भाई है बुआ का बड़ा लड़का वो सीए बना था उसके पीछे सब घर वाले लग गए सीए बन गया सीए भारी कुछ बोला इतने क्यों पीछे लग रहे हो बोले वो सीए बनाए बोला क्या होता है भाई बहुत भारी होता है मतलब पैसा कितना मिलता है बोले बहुत मिलता है मैं बोला मैं सीए बनेगा समझ में आ रहा है सबको आया ना लिटरली ऐसा डिसीजन लिया था लाइफ के अंदर कि सीए ऐसे ही बनना है बाद में पता चला क्लियर चेले पुरजे ढीले हो गए थे मेरे सो सीए कंप्लीट करने का, आप का अगर आप इंसॉल्वेंसी बैंक का प्रैक्टिस करते हो नियरली अगर आप कंपनी को लिक्विडेट करते हो ना तो उसके टोटल लिक्विडेशन के वैल्यूएशन के मल्टीप्लाइड बाय दो का फीस मिलता है सिर्फ दो टक्का वॉट अबाउट टू हंड्रेड करोड़ कंपनी सर कहां जा सकते हैं इसके लिए बोलो हा है ना कैसी जीव लपलपाई है तो यह भी बहुत अच्छा है दो सबसे बड़े लुक्रेटिव एरिया दो नहीं एक्चुअली तीन ठीक है? इंसॉल्वेंसी सत्य है इंसॉल्वेंसी बैंक अमल मर्जर और ट्रांसफर प्राइसिंग ठीक है ये सबसे लुक्रेटिव एरिया है पर जो मेहनत करेगा उसके लिए कुछ भी लुक्रेटिव हो सकता है ये चीज को याद रखना पैशन ढूंढो। पैशन के हिसाब से लोग गलती जिंदगी में सबसे बड़ी यही करते हैं वो जॉब के हिसाब से लाइफ चूज करते हैं तुमने लाइफ के हिसाब से जॉब चूज करना चाहिए जॉब जीना है या जिंदगी जीनी है हम पहले करियर डिसाइड कर लेते हैं। फिर जिंदगी चलती रहेगी यही तो फर्क है हमन में आ रहा है अपन इसके ऊपर लेक्चर लेंगे कि तुम सीए बनने का तो क्या कर सकते हो और कैसी लाइफ सेट कर सकते हो ठीक है आएगा जरूर आएगा ठीक है वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा आगे सो so ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी कौन कौन से रीजनल डायरेक्टर आरओसी और दूसरा कौन बोले एक बार लिक्विड एवरीबडी जुडिशियल प्रेजेंट कर रहा हूं लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज भी करूंगा. सबसे पहले जुडिशियल सुना होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक बार जोर से बोलो क्या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ऐसा हर लॉ का अपना ट्रिब्यूनल होता है जैसे इनकम टैक्स के ट्रिब्यूनल को कहते हैं आईटीएटी क्या कहते हैं इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल समझ में आ रहा है जो सीसीआई के ऊपर आता है सीसीआईटी सी आई टी सीसी कमीशन ऑफ इनकम टैक्स चीफ कमीशन ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ऐसा हर लॉ में अपना ट्रिब्यूनल होता है क्लियर है इसके ऊपर अगर तुमको अपील करना है तारीख पे तारीख एनसीएलैक नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल नेशनल कंपनी लॉ केवल एक बार अपीलेट ट्रिब्यूनल और फिर इसके ऊपर स्ट्रेट अवे सुप्रीम कोर्ट Tribunal, Tribunal, ये हमारी जुडिशियल है इसमें एक और तरीका आता है जिसको हम कहते हैं स्पेशल कोर्ट लेकिन स्पेशल कोर्ट के ऊपर फिलहाल मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि स्पेशल कोर्ट काफी कंफ्यूजिंग है <coughs> बोले वगैरह रह नहीं सकता इसलिए सुन लो तो वो जस्टिस नहीं लगेगा मेरे को सिंपल सी बात है छोटे मोटे ऑफेंस है कंपनीज के छोटे मोटे ऑफेंस है एनसीएलटी छोटे मोटे ऑफेंस है बड़ा वाला ऑफेंस है स्पेशल कोर्ट बड़ा वाला ऑफेंस है स्पेशल कोर्ट यही सुप्रीम कोर्ट है बड़े ऑफेंस के लिए वो उधर ही लेके उधर ही दफन कर देते दे केस को कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको सेशन सत्र न्यायालय ट्रैक कोर्ट भी बोल सकते इसको So, सो छोटा ऑफेंस है कहा जोर से बोलो छोटा ऑफेंस है कहा और बड़ा ऑफेंस है NKID. स्पेशल यहां तक समझ में है यह दोनों चैप्टर मतलब आपको इसके ऊपर दो चैप्टर है उन्तीस चैप्टर में दो चैप्टर है एक पूरा चैप्टर एनसीएलटी नैकलट और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है और एक पूरा चैप्टर स्पेशल कोर्ट के ऊपर है ये फाइनल लेवल पे आएगा ये कौन सा लेवल पे आएगा फाइनल भूल मत जाना पर क्योंकि इंटर का पूरा बेसिक फाइनल पे लाते हैं हम है नॉर्मली फाइनल की बैच में पहले चार लेक्चर तो मैं सीए ही पढ़ाते रहता हूँ वो भी साढ़े तीन घंटे के चार लेक्चर्स सब बोलना पड़ता है वापस प्रवचन यहां से तुम्हारे साथ ठीक है, नहीं है।, है, हाँ है, 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 है तो इस चीज को याद रखना बहुत अच्छे से ये है का ऑथरिटी स्ट्रक्चर कंसेप्ट लिख लो इसको गोवर फास्ट अच्छा आज कोई क्लास में नया आया है क्या हाथ हाथरेस करना अगर आया है तो ओके फाइन न्यू कितने लोग हाथ हाथरेस करना जितने भी लोगों के स्टार्टिंग के ओके आठ नौ लोग नए हैं जितने भी लोगों के स्टार्टिंग के लेक्चर थोड़े से मिस हुए हैं ये अगले पांच से सात दिन के अंदर YouTube के ऊपर अपलोड हो जाएंगे पहले तीन लेक्चर्स ठीक है तो आप वहां से कंप्लीट कर सकते हो ठीक है कल जो नए आए थे वो पहले स्टार्टिंग के दो लेक्चर्स भी यूट्यूब से देख सकते हैं तो आपको हेल्प करेगा मतलब बेसिक वो अपना रेडी होना चाहिए ठीक है तो कंप्लीट करना जैसे ही अपलोड हो जाएंगे ठीक है ये और लिखना हो गया बच्चों सबका बाकी है क्या

1956 था याद है सबको चलो बहुत बहुत सबको पता है नहीं है ओके okay, तो ये 1956 में लॉ बनाया गया था इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए और 2013 अभी हमने बनाया है ठीक है अब मैं कुछ चीजें बोलूंगा इनके डिफरेंस की मतलब डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू कंपनी लॉ तो डिफरेंस भी लिख पाओगे एट द सेम टाइम तुमको हिस्ट्री भी समझ में आएगा कि न्यू कंपनीज एक्ट क्यों बनाया गया ठीक है सबसे पहली चीज हाउ मेनी नंबर ऑफ सेक्शन आर देर 470 सेक्शंस कौन से एक्ट में अभी के ओल्ड कंपनीज एक्ट में 658 सेक्शंस थे कितने थे 658 सर मतलब सेक्शन का नंबर कम हुए हैं हां सेक्शन के नंबर कम हुए हैं हाँ. है, पर बिलीव मी कंटेंट डबल हो गया है क्योंकि यहां के चार सेक्शन पकड़ पकड़ के यहां का एक बनाया गया है ये मैं बताऊंगा कहां कैसे हुआ कांसेप्ट समझ में आ रहा है पहले सीए इंटर सीए आईपीसीसी में कंपनीज एक्ट 1956 250 सेक्शन नंबर तक पढ़ाया जाता था अभी सिर्फ एक है मतलब समझ मत गए होंगे तुम बोलो हा है ना दूसरा कितने शेड्यूल्स शेड्यूल समझते हो शेड्यूल तो कितने शेड्यूल है से? सेवन कंपनीज एक्ट 2013 में सेवन शेड्यूल है ओल्ड कंपनीज एक्ट में देर वेर सिक्सटीन शेड्यूल्स कितने शेड्यूल से बोले एक बार सिक्सटीन क्लियर है एक बाद में अबॉलिश भी हुआ था तो लोग फिफ्टीन बोलते नॉट ए इश्यू अगला हाउ मेनी काइंड ऑफ सर्कुलर्स रूल्स नोटिफिकेशन क्या फ्रीक्वेंसी थी तो देर वॉज वेरी लो फ्रीक्वेंसी कंपनी बन रही थी मिट रही थी कोई इतना टेंशन नहीं था आ जाता था कभी एक हाथ सर्क्यूलर कोई टेंशन नहीं था मतलब मैं जब पास हुआ था कंपनीज एक्ट 1956 में तब तो मतलब हाँ। आया अमेंडमेंट नाम की चीज ही नहीं आती थी हमारे वक्त तो लॉ में तो बिल्कुल नहीं आती थी अभी तो भैया ये इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया इनका मूड खराब हो गया बोले 2015 अमेंडमेंट एक्ट बनाएंगे और मूड तहस नहस हो गया 2017 अमेंडमेंट एक्ट लाया और मूड खराब हो गया 2019 मतलब ऑड ईयर तो इनके फेवरेट हो गए पास हो जाओ जल्दी अगला 2021 आने वाला है समझ में आ रहा है सबको हाँ। हर ऑडियर मतलब एक्ट नहीं, पांच साल खत्म नहीं हुए उन्होंने अमेंडमेंट ला लिए 200 से ज्यादा अमेंडमेंट फिर लॉ ही रिप्लेस कर देते ना अमेंडमेंट क्यों लाए समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं आगे उसके बाद में कि भाई पहले बेनिफिशियरी कौन था किसको बेनिफिट दिया जाता था तो बोले जो कंपनी के मेंबर्स है ना मेंबर शेयर होल्डर्स वो बोले प्राइम इंपॉर्टेंट है फिर उसके बाद में जो जरूरी है वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिर उसके बाद में जरूरी है वो है स्टेक होल्डर्स बोले इस हिसाब से सबको बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे ही डिक्लेयर किया शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिलकर कर दिए फ्रॉड मैं रहूंगा मस्ती में आग लगे बस्ती में बोलो हा है ना तो इनके व्यू चेंज हो गए रामालिंगा राजू ने सत्यम का फ्रॉड क्या ठूक दिया दुनिया की आंखें खुल गई जिस दिन रामालिंगा राजू ने फ्रॉड किया कंटिन्यूस दो अटेम्प्ट तक के सत्यम के ऊपर ही सवाल पूछ रही इंस्टीट्यूट रहे फाइनल पे कंटिन्यूसली काम ही नहीं था दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट को जेल में डाल दिया बोली ईगो हर्ट हो गया आत्मा जी सटक ली समझ में आ रहा है तो इन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 का चेहरा मोहरा ही चेंज कर दिया सबसे पहला बेनिफिशियरी सोसाइटी कौन सोसाइटी पब्लिक दूसरा बेनिफिशियरी एनवायरमेंट पेपर वेपर कम जलाओ बोले सभी फाइलिंग वगैरह में कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रॉनिक डाटा डिमिनेशन वैसे भी आजकल बहुत अच्छा जियो नेटवर्क चलता है बोले बोलो हाँ ना जियो नेटवर्क से तो सबका ही भला हुआ ना पहले से फोटो देखते थे आजकल वीडियो देखते हैं तीसरा एनवायरमेंट के बाद कोई बेनिफिशियरी तो बोले कंपनी के स्टेक होल्डर्स को ऊपर लाओ कंपनी के किसको ऊपर लाओ स्टेक होल्डर्स को स्टेक होल्डर्स में भी सबसे ऊपर वर्कमैन फिर उसके बाद में एम्प्लॉज फिर उसके बाद में गवर्नमेंट क्लियर है यह होने के बाद चौथा बेनिफिशियरी मेंबर्स और भिखारी की तरह अब ट्रीट किया जा रहा है प्रायोरिटी नहीं है वो प्रायोरिटी में भी नहीं है आगे ऐसी कोई चीज है जो कंपनी एक्ट 1956 में नहीं थी पर 2013 में नई नवेली को कर गरम गरम इंसर्ट की गई है एनी न्यू थिंग न्यू बताओ पॉइंट नंबर वन मित्रों मेरा प्यारा देशवासी किसी भी पुरुष के साथ महिला को भी सेम सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए भाई और क्या बोलो वुमन इक्वालिटी की बात करते ना अपन लड़कियों तुम तो बोलो नहीं चाहिए क्या तो बोलो जोर से चिल्लाओ क्या करना है इक्वालिटी का सेल कहां चल रही है मॉल में वो बताऊ पहले वन वुमन डायरेक्टर अच्छा है वन वुमन ही रखा जोश देख के तो लग नहीं रहा था आधा वुमन डायरेक्टर रखना चाहिए था समझ में आ रहा बोलो अब तो बोलो दूसरा सी एस आर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर बड़ी कंपनी को दो परसेंट ऑफ उसका प्रॉफिट देना पड़ता है पब्लिक सोसाइटी बेनिफिट के लिए सर जबरदस्ती है हाँ, समझ में आ रहा है तीसरा नाफरा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का बाप अगर इंस्टीट्यूट कुछ गलत करती है ना तो आप इनके पास अपील कर सकते हो कंसप्ट समझ सर ऐसा भी होता है सर पेपर चेकिंग की अपील होती है निकमो। उसके बाद चौथा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिलहाल इसके बारे में तुमको कुछ नहीं पता होगा इंडिपेंडेंट सबसे अलग सबसे जुदा ना लेगा ना देगा ना बिकेगा ना झुकेगा ठीक है ये चीज को सिर्फ याद रखना आगे वापस रिपीट होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फिर उसके बाद में पांचवा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंपनी इथी कैसी चलानी चाहिए उसके बारे में टिप्स दिए गए हैं और ये जितने भी रिकमेंडेशन है और भी है जैसे ओपीसी वन पर्सन कंपनी पहले बहुत सारे लोग इकट्ठा आके कांड करते थे अब एक भी कर सकता है समझ में आ रहा है सबको है हाँ ना तो ये सब रिकमेंडेशन पता है किसके है सर जे जे ईरानी नारायण मूर्ति कुमार मंगलम बिरला ये काम होता है कम्युनिटी का और ये ओपिनियन ये कब से पता है 2002 से लेके 2013 में जब तक एक्ट नहीं बना ना इन तीनों ने पीछा नहीं छोड़ा गवर्नमेंट का ब्रिटिशर्स के लॉ ला 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 के के ला ला के दिखाए यूएस लॉ दिखाए बोले उनके लॉ देखो कहां जा रहे हैं और तुम देखो कहां जा रहे हो कौन सी कंपनी रन कर रहे हो पंद्रह लाख तीस हजार कंपनी बोल रहे हो दुनिया का सबसे बड़ा तुम बोल रहे हो गवर्नेंस है हमारे पास में पब्लिकली डेमोक्रेसी बोल रहे हो ये फलतूलो हटाओ सब अमेंड करवाया सब कंपनीज 2013 का पहला ड्राफ्ट 2008 में रखा गया था तुच्छ तरीके से कमिटीज ने हकाल दिया बोले हड ये तो पढ़ने लायक भी नहीं है 2009 में वापस ड्राफ्ट रखा गया कमिटीज ने वापस हकाल दिया 2010 में कमिटीज ने वापस ड्राफ्ट रखा कमिटीज ने खुद ने Institute of of India, Institute of Company हमारे काम करने के लिए तो कुछ रखो फिर वापस आया 2011, लोकसभा ने हाँ बोल दिया राज्यसभा का अलग ही एटीट्यूड चल रहा है <laughs> हमको पसंद नहीं आया विजय माल भी था उस वक्त बोले मेरे कंपनी का क्या 2012 में वापस आया 2012 का ड्राफ्ट 2013 में एक्सेप्ट हुआ समझ में आ रहा है स्ट्रगल है स्ट्रगल तीन कमिटीज का तब जाके बना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है ये है ओल्ड और न्यू कंपनीज़ के बीच का डिफरेंस और ये है हमारी हिस्ट्री समझ में आया सबको लिख लो इसको सात शेड्यूल में से एक शेड्यूल पढ़ा होगा ना तुमने कौन सा शेड्यूल थ्री सुना है बैलेंस शीट पीएनएल का फॉर्मेट? वो इसी का है कंपनी जेट का याद है तो तीन बार अमेंड हुआ 1985 2002 फाइव हजार और 2006 दैट्स ऑल यहां तो हमारा शुरू नहीं हुआ तो चार बार अमेंड हो गया एक है है एक चीज बची आखिरी कौन सी चार चीजें पढ़नी होती है ना कौन सी हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑथोरिटी स्ट्रक्चर चैप्टर सर आप चैप्टर स्ट्रक्चर भी अभी पढ़ाने वाले हो सो पढ़ाऊ थोड़ा सा कौन सा थोड़ा स्मॉल मिलाते जाओ ठीक कोई बात नहीं सर चार लेक्चर हो गए तुमने कंपनी एक्ट का कब ही नहीं पढ़ाया अभी तक अस्सी लेक्चर में सिलेबस खत्म होगा ये बात कंफर्म है ठीक है कैसे कहा किधर लेके जाना ये मेरी जिम्मेदारी है अल्टीमेटली तुम्हारा लॉ प्रिपेयर होना चाहिए मेरी जिम्मेदारी है सो आई विल टेक केयर ये जितने भी बेसिक हम प्रिपेयर कर रहे हैं अगले पूरे साठ सत्तर लेक्चर्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब चीज तुम्हें पता हो तुम्हें अगर इतनी ही चीजें नहीं पता तो आगे बिल्डिंग बांधने का कोई सवाल पैदा नहीं होता बेस मजबूत अगर नहीं रहा तो क्लियर है सो कोई नहीं कल अपन कंपनी छुएंगे चैप्टर स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे ठीक है आज मैं तुमको काफी जल्दी छोड़ रहा हूं मिलते कल मिलते हैं वापस से डे कल ढाई बजे अपना टाइम तो पूरा तो थैंक यू बोलो जोर से बोलो दी। जोर से बोलो दी। चलो गुड वॉटलो से बेटा कोई शंका कुशंका लघु शंका दीर्घ शंका है तो आ जाना